हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट के इस 9th एडिशन की सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्न वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर 16, जिसका नाम है कंजर्वेशन एफर्ट्स, उसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो साथियों, हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में काफ़ी डिटेल से जाना था अपने पार्ट 1 में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट लायन। थोड़ा सा समझाती हूँ कब से क्या स्टार्ट हुआ ये प्रोजेक्ट लायन और कैसा क्या रहा। देखिए साथियों, नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस जो गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट में हैं, उसके नंबर में इंक्रीमेंट देखने को मिला। पहले ये 523 हुआ करते थे 2015 में, और ये 674 बढ़ के हुए 2020 तक। तो अब हम बात करें कि लायन रिलोकेशन की, तो इसकी हम बात करते हैं सिंस 1995 से ही, जब कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आइडेंटिफाई करा गया था एक ऑल्टरनेटिव साइट के तौर पे, जहाँ पे इन लायंस को रिलोकेट किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हम ऐसा रिलोकेशन साइट को जो है वो पता लगाएं फॉर द स्पीशी। भाई इससे क्या होगा ना कि पॉपुलेशन, क्योंकि हो क्या रहा था कि गिर के अंदर अब उसमें लो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिस्की था, खतरा था कि वो ऐसा ना हो कि वहीं पर ही हैं वो और एंडेमिक हैं और वहाँ से वो एकदम एक्सटेंट हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। खैर, प्रपोजल लाया गया कि भैया हम एक फ्री रेंजिंग लायन पॉपुलेशन को बनाएंगे विद इन गुजरात और दूसरे स्टेट्स के अंदर, ताकि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर को इशू करा 2013 में, ये कहा स्टेट को कि आप एक काम करो, आप रिलोकेट करो लायंस को और कहाँ भेज दो, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में है, इसने पूरा जीनोम जो था एशियाटिक लायंस का, इसको सीक्वेंस करा और इट हैज़ शोन देम टू बी लैकिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। अगर इसमें देखने को मिला कि प्रॉपर ये जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी है कंपेयर करने पे दूसरे लायन की पॉपुलेशन को और हिस्टोरिकल सैम्पल्स को एशियाटिक लायंस के, तो इसके चलते 6 नई साइट्स अपार्ट फ्रॉम कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो 6 और नई साइट्स को जो है वो यहाँ आइडेंटिफाई करा गया इस प्रोजेक्ट लायन के अंदर। किस लिए? फॉर पॉसिबल लायन रिलोकेशन के लिए फ्यूचर में। और इसके अंदर कौन कौन सी थी थोड़ा आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो थी वो थी आपकी माधव नेशनल पार्क, जो कि आप मध्य प्रदेश में पाओगे। दूसरे नंबर पे आता है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आप राजस्थान में पाओगे। तीसरे नंबर पे आता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आप मध्य प्रदेश में पाओगे। उसके बाद आता है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है राजस्थान में। और फिर छठी साइट जो थी वो थी जैसोर बालाराम अम्बाजी WLS और आसपास की जो लैंडस्केप, एडजॉइनिंग लैंडस्केप गुजरात में। तो ये 6 तरह की साइट्स को यहाँ पे फ्यूचर के अंदर रिलोकेट करने के लिए चूज़ करा गया था उस वक्त। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया था एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए 2018 से 2021 तक के लिए, जिसका उद्देश्य ये था कि हम प्रोटेक्ट और कंजर्व करेंगे वर्ल्ड के लास्ट रेंजिंग फ्री पॉपुलेशन को एशियाटिक लायंस की और उसका जो उससे जो जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है, एसोसिएटेड इकोसिस्टम है उसको। प्रोजेक्ट को पैसा फंड मिल रहा था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के माध्यम से। इसमें कंट्रीब्यूशन रेशियो 60:40 का था सेंट्रल और स्टेट शेयर के बीच में। साथियों, एशियाटिक लायन एंडेमिक है गिर लैंडस्केप ऑफ गुजरात से, और ये वन ऑफ द 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी में आते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई करा है रिकवरी प्रोग्राम के लिए। साथियों, एशियाटिक लायन को लिस्ट करा गया है शेड्यूल 1 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, टू बी अकॉर्डेड द हाइएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की इनको ज़रूरत है। और ये जो प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट हैज स्पीशीज कंजर्वेशन ओवर अ लार्ज लैंडस्केप अप्रोच। इस अप्रोच के अलावा जो ग्रेटर गिर रीजन है, इसको डिवाइड करा गया है अलग अलग जोन्स और मैनेजमेंट अप्रोच में, जोन्स प्लान के, थीम्स प्लान के, ताकि कंजर्व कर सकें किसको, एशियाटिक लायंस को। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा
प्रोजेक्ट है वो है अपना प्रोजेक्ट एलिफेंट। आइए इसको डिटेल से आपको बताती हूँ कि ये प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। साथियों, इस प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया फरवरी 1992 में। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सेंट्रल ने इसमें कुछ पैसा दिया था ताकि असिस्ट करें स्टेट्स को कि आप जो फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन है वाइल्ड एलिफेंट्स की, है ना, आप उसको देखिए और इंश्योर करिए कि भैया ये लॉन्ग टर्म का सर्वाइवल हो, जो भी आइडेंटिफाइड वायरेबल पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की इनके नेचुरल हैबिटेट्स में, ठीक है, तो वो प्रॉपर सर्वाइव करें और लॉन्ग टर्म सर्वाइव करें। प्रोजेक्ट को मेनली इंप्लीमेंट करा गया था 13 स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर, जिसमें साथियों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का नाम आता है। कुछ छोटा मोटा सपोर्ट दिया गया था महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को भी। अच्छा, स्टेट्स को फाइनेंशियल तो मतलब पैसे तो दिए गए, इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट भी दी गई ताकि वो अपने उद्देश्य को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरा कर सकें, और हेल्प दी गई दूसरी स्टेट्स को भी जहाँ पे कुछ छोटी मोटी पॉपुलेशन भी थी एलिफेंट्स की, फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस, ट्रेनिंग ऑफ फील्ड स्टाफ और मिटिगेशन, भाई रोक लगे ये ह्यूमन जो एलिफेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी कुछ करा गया। अच्छा, आइए समझते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव समझने से पहले एक बॉक्स दिया हुआ है डू यू नो का, आपको ज्ञानवर्धक बातें हमेशा की तरह बताऊंगी कि हिप्पोपोटामस, वॉलरस, नारवॉल और मैमोथ राइनो ये मोस्ट कॉमनली एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स, ये सब पोश करे जाते हैं इनके आइवरी टस्क के लिए। तो ये एक जो है थोड़ा बात है कि भाई देखिए, ये सिर्फ एक सिर्फ हम समझते हैं एलिफेंट, एलिफेंट के अलावा भी कई सारे जो है जानवर हैं जिनका आइवरी टस्क जो है वो इस तरीके से पोचिंग की जाती है। खैर, चलिए आइए वापस से बैक टू टॉपिक आते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। कि ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले कि प्रोटेक्ट करना एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट्स को और कॉरिडोर्स को। दूसरा बात करें तो एड्रेस करना इश्यूज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के, ये इनका उद्देश्य था। और तीसरा कि वेलफेयर किसका, डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स का। ठीक, तो अब ये सारी चीज़ें इनके उद्देश्य में आती थी। एम क्या था, ऑब्जेक्टिव तो समझ गए, अब एम ये है कि हम इकोलॉजिकली रिस्टोर करेंगे नेचुरल हैबिटेट को और माइग्रेटरी रूट्स को एलिफेंट्स के। ठीक है, कैसे इकोलॉजिकली रिस्टोर करेंगे, और साथ में जो कन्फ्लिक्ट्स मैन और एलिफेंट्स के बीच में होता है उनके इंपॉर्टेंट हैबिटेट में, उसे किसी तरह से रोक लगाने की कोशिश करेंगे। प्रेशर जो है ह्यूमंस का और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ का, उसे हम मॉडरेट करेंगे इन इम्पॉर्टेंट जो भी एलिफेंट के हैबिटेट्स हैं वहाँ पे, और डेवलप करेंगे साइंटिफिक और प्लान मैनेजमेंट मेजर्स को ताकि कंजर्व कर सकें हम एलिफेंट्स को। इसके अलावा हम प्रोटेक्ट करेंगे एलिफेंट्स को पोचर्स से और दूसरे अननेचुरल जो वजहें होती हैं उनके डेथ की, या इलीगल जो आइवरी का ट्रेड होता है, जो सबसे बड़ा खतरा है एलिफेंट प्रोजेक्ट जिसके लिए लाया गया है उस प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है, क्योंकि पोचिंग बहुत होती है ना उनके आइवरी की इंडिया के अंदर, तो इस पर रोक लगाएंगे और रिसर्च करेंगे उन इश्यूज़ पे जो कि रिलेटेड हैं एलिफेंट से, और साथ में पब्लिक अवेयरनेस को भी क्रिएट करेंगे, एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आएंगे इसके लिए। इसके अलावा इको डेवलपमेंट और वेटरनरी केयर भी करेंगे एलिफेंट्स की। एम ये भी है कि हम इनकी हेल्थ केयर और ब्रीडिंग जो कि टेम्ड एलिफेंट्स की हैं उन्हें भी प्रॉपर मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब एलिफेंट रिजर्व को अभी हम आगे आपको जो है अपेंडिक्स पढ़ाएंगे लास्ट में, तब हम समझा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट समझते हैं एलिफेंट कॉरिडोर क्या है। साथियों, एलिफेंट कॉरिडोर, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा स्ट्रेच या ऐसी एक नैरो स्ट्रिप होती है फॉरेस्टेड या कोई ऐसी लैंड की, जो कनेक्ट करती है एक बड़े से हैबिटेट को एलिफेंट की पॉपुलेशन के साथ में, समझ रहे हैं। एंड एक समझ लीजिए एक रास्ता टाइप का बन गया ना, जहाँ से ये जानवर मूव करता है एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है ना, यही मदद करता है इन्हांस करने में स्पीशी का सर्वाइवल और उनका बर्थ रेट। समझ रहे हैं आप, ये बड़ा हैबिटेट और यहाँ पे जो है वो एलिफेंट की पॉपुलेशन है, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं जानवर। यहाँ की बात करें तो कुछ 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स देखने को मिले हैं भारत के अंदर। इनमें से 88 में से करीब 20 जो हैं वो साउथ इंडिया में हैं,
12 जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, 20 जो है वो सेंट्रल इंडिया में है, बाकी 14 जो है वो नॉर्दर्न वेस्टर्न बंगाल और 22 जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आप पाओगे। टोटल में से साथियों 77.3% ये रेगुलरली यूज़ करे जाते हैं एलिफेंट्स के द्वारा, और 1/3 ये इकोलॉजिकली हाई प्रायोरिटी के हैं, बाकी के 2/3 ये मीडियम प्रायोरिटी के होते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो इस एलिफेंट हैबिटेट का है वो आपको सीवियर दिखेगा नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी दिखेगा इस हिसाब से, और लीस्ट फ्रेगमेंटेशन वो साउथ इंडिया में देखा गया। अब साउथ इंडिया के अंदर तो देखते ही हैं लोग बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हैं चीज़ों को भी, और इसके अलावा एलिफेंट्स को तो बहुत ही माना जाता है। साउथ इंडिया में 65% कॉरिडोर ये प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं और रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं, और 90% जो सेंट्रल इंडिया के हैं वो जॉइंटली फॉरेस्ट एग्रीकल्चर और सेटलमेंट में हैं, ओनली सिर्फ 10% ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया के अंदर आते हैं। नेशनली बताऊँ तो 24% कॉरिडोर ये आते हैं कम्प्लीट फॉरेस्ट कवर के अंदर। तो ये हमने आपको एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में बताया। अब बात आती है कि क्या खतरा है इस एलिफेंट कॉरिडोर को, मेन तो बात यही हो गई ना। देखिए मेनली खतरा ये है हैबिटेट का लॉस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, हॉलीडे रिजॉर्ट्स बने जा रहे हैं, ठीक है ना, सोलर इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग वगैरह हो रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, कोल माइनिंग और आयरन माइनिंग, ये भी दो सिंगल सबसे बड़े खतरे हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स को सेंट्रल इंडिया के अंदर। अब उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब मिनरल रिच स्टेट्स हैं, बस इनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर हैं देश के अंदर, जो इनको एलिफेंट मैन कन्फ्लिक्ट का कारण बनाती हैं। बहुत सीरियस पोचिंग प्रॉब्लम है, एस एलिफेंट की जो आइवरी है उनके टस्क से एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, और यही पोचिंग होती है इसकी। एलिफेंट्स को बहुत सारी ग्रेजिंग ग्राउंड्स की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है, मोस्ट रिजर्व कैन नॉट अकोमोडेट देम, ठीक है, सब तो इनको नहीं रख सकते। अगर प्रोटेक्टेड एरिया इतने बड़े हैं तो एलिफेंट भाई नहीं, मान लो नहीं है इतने बड़े तो क्या होगा, एलिफेंट खाना वाना खाने कहीं और भागेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उन पास में ह्यूमंस हैं तो उनका ह्यूमंस के साथ कन्फ्लिक्ट होता है। क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स खाने के चक्कर में ह्यूमंस के क्रॉप्स का भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये सब वजहें होती हैं। तो इनको कैसे रोक सकते हो भाई? बात ये है ना कि जो ये फ्यूजन है कॉरिडोर्स का आसपास के प्रोटेक्टेड एरियाज़ के साथ करो, जहाँ पे सही लगता है आपको, है ना। दूसरे केसेस में आप डिक्लेरेशन करो एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया या कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। और जब आप कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस कर रहे हो तो प्रॉपर देखो कि जानवर कहाँ मूव कर रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या हैबिटेट रिस्टोरेशन यहाँ पे काम आएगा, ये सारी चीज़ें आप देखो। इसके अलावा कॉरिडोर्स को और सिक्योर करके रखो, जिसमें सेंसिटाइजिंग लोकल कम्युनिटीज़ हैं ना भाई, अब देखो ना आसपास हैं कि भाई कम्युनिटी के साथ भी प्रॉब्लम ना हो, वॉलंटरी रिलोकेशन हो आउटसाइड द कॉन्फ्लिक्ट जोन टू सेफर एरियाज, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा कंजर्वेशन वैल्यू होगी इससे जो है, और फ्रेगमेंटेशन बचेगा टू द कॉन्टिन्यूस फॉरेस्ट हैबिटेट बाय इंक्रोचमेंट फ्रॉम द अर्बन एरियाज, एज वेल एज एक कॉन्टिन्यूड रिफ्यूज मिलेगा टाइगर, एलिफेंट, सांबर, मार्श क्रोकोडाइल, घड़ियाल और बहुत सारे स्पीशीज ऑफ बर्ड को भी। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम के बारे में, इसे हम लोग माइक कहते हैं। दोस्तों मैंडेटेड बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स माइक प्रोग्राम जो है वो शुरुआत हुई थी इसकी साउथ एशिया के अंदर 2003 में। पर्पस ये था कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो भी ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की फॉर एलिफेंट रेंज स्टेट्स, ताकि एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकें, एक अच्छे डिसीजन ले सकें और एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें विद द रेंज स्टेट फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करने के लिए एलिफेंट की पॉपुलेशन का। उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लेवल्स को मेजर करेंगे, ट्रेंड्स को मेजर करेंगे इलीगल हंटिंग में एलिफेंट्स की, इसके अलावा हम चेंजेस को भी डिटरमाइन करेंगे इन सारे ट्रेंड्स में ओवर टाइम, और इस बात को भी डिटरमाइन करेंगे जो फैक्टर्स जुड़े हैं या वजह बनते हैं ऐसे चेंजेस की। कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से पर्टिकुलर एक्सटेंट तक जो भी ट्रेंड्स हैं उनको हम पूरा करें, रिजल्ट ऑफ एनी डिसीजंस जो कि लिए गए हैं बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट्स। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर डेटा जो है
है ना, कलेक्ट करा जाएगा सारी साइट से मंथली बेसिस पे स्पेसिफाइड माइक पेट्रोल फॉर्म के तहत, और सबमिट करा जाएगा सब रीजनल सपोर्ट ऑफिस को फॉर साउथ एशिया प्रोग्राम, जो कि दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, जो कि असिस्टिंग मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंट करने में इस प्रोग्राम को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हाथी मेरे साथी बीसी के अंदर आता है, लेकिन उसके पहले हम जरा दो बॉक्स आपको बता दें जो कि ज्ञानवर्धक बातें हैं। डू यू नो कि पहली ज्ञानवर्धक बात ये है कि वाइट टाइगर्स, ये इनमें कोई सेपरेट, मतलब ये कोई सेपरेट सब स्पीशी नहीं होते हैं, बट ये सिर्फ वाइट कलर के होते हैं ड्यू टू एन एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन्स की वजह से। और दूसरी ज्ञानवर्धक बात ये है कि पैरासिरेथेरियम ये सबसे बड़ा लैंड मैमल है जो अभी तक रहा है, जो रिजेंबल करता है बहुत ही बड़े मस्कुलर जिराफ को, ठीक है। अच्छा, अब हाथी मेरे साथी की बात करूं तो हाथी मेरे साथी एक ऐसा कैंपेन जिसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, पार्टनरशिप इसमें थी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, और किस लिए, ताकि कंजर्वेशन को और अच्छा करें, वेलफेयर प्रॉस्पेक्ट्स को और बढ़िया करें एलिफेंट्स की, है ना। और एलिफेंट क्या इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है, ऐसी वैसी बात तो है नहीं। इसके साथ कैंपेन को लॉन्च किया गया था एलिफेंट एट, एक कैंपेन जो है वो भी लॉन्च किया गया था एट दी एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, जो कि दिल्ली में हुई थी 24 मई 2011 में। और ई एट कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन आता है समझिएगा, एलिफेंट एट कंट्रीज़ में इंडिया आती है, बोस्टवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड। ये जो पब्लिक इनिशिएटिव है, एम ये था कि हम अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ाएं और दोस्ती, दैट इज फ्रेंडशिप को डेवलप करें, चैंपियनशिप को करें लोगों और एलिफेंट्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट जो है बात आती है कैंपेन मस्कॉट गजू, है ना, हम लोग कहते हैं ना गजू। ओके, गज तो ऐसे ही कहते हैं, गजू। तो कैंपेन का फोकस इसका ये था कि अलग अलग टारगेट ऑडियंस ग्रुप्स पे था, जैसे कि लोकल्स जो कि एलिफेंट हैबिटेट के पास रहते हैं, यूथ, पॉलिसी मेकर्स अमंग अदर्स, ऐसे सारे लोग। विजन ये था कि हमें गजा, दैट इज एलिफेंट कहते हैं ना गजा, तो गजा सेंटर्स को हम सेटअप करेंगे एलिफेंट लैंडस्केप में पूरे देश के अंदर, ताकि अवेयरनेस को बढ़ाएं हर एक प्लाइट और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, किस लिए, इन एड्रेसिंग द थ्रेट्स टू देम, उनको क्या है क्या खतरा है, सब लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा इट ऑल्सो प्लान्स टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एट द ग्राउंड लेवल, और पॉलिसीज को और बढ़ावा दें जो कि फेवर करती हैं पैचुडर्म्स को, दैट इज एलिफेंट्स को। ये रिकमेंड करा गया था बाय एलिफेंट टास्क फोर्स, और इसे बनाया गया बाय मिनिस्ट्री लास्ट ईयर, कैंपेन टू टेक गजा, दैट इज एलिफेंट, टू द प्रजा, गजा टू प्रजा, ठीक है, प्रजा मतलब लोग, गजा मतलब एलिफेंट, तो टेक गजा टू प्रजा। एम ये था कि हम अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़ाएंगे एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए और उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। अच्छा, एशियन एलिफेंट को खतरा है बाय हैबिटेट उनका कम हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रही है, पोचिंग हो रही है आइवरी के लिए, तो ये सारे खतरे ज़्यादा इंटेंस हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जिसकी वजह से मोर देन 50% वर्ल्ड की एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है वो भाई यहाँ है, और यहाँ पे ही इतना खतरा है। तो इंडिया के अंदर भाई 25,000 एलिफेंट है वाइल्ड, डिस्पाइट दिस सीमली लार्ज नंबर लगता तो है देखने 25,000 ना, लेकिन ये ज़्यादातर एलिफेंट इसमें मेल हैं, टस्कर्स हैं, है ना, तो इंडिया एंड इज एज इतना ही खतरा जैसे है जैसे टाइगर को खतरा है। यहाँ पे सिर्फ 1200 टस्कर सब बचे हैं देश के अंदर, तो थे कितने बचे कितने, तो सीन बड़ा गड़बड़ है ना। अब देखिए, अब हम एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग। दोस्तों, ई एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग रिप्रेजेंट करती है रीजन्स को जहाँ पे तीनों ही स्पीशी एलिफेंट की अवेलेबल हो। अब तीन स्पीशी ये क्या होता है मैम, तीन स्पीशी एलिफेंट की मतलब एक जो है वो है एलिफास मैक्सिमस, दैट इज एशियन एलिफेंट जिसे कहते हैं, दूसरी होती है वो है लोग्जोडोंटा अफ्रीकाना जिसे हम लोग अफ्रीकन बुश एलिफेंट कहते हैं, और तीसरी जो है इसकी स्पीशी वो है लोग्जोडोंटा साइक्लोटस जिसे हम लोग अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट कहते हैं, समझे। तीन, एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, तो ये तीनों ही स्पीशीज यहाँ पे
हूँ। अब देखिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें पॉलिसी मेकर्स, कंजर्वेटेशनलिस्ट, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, आर्ट एंड कल्चर एक्सपर्ट्स है ना, ये सब हो जो अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, ये सब हों। अच्छा, इसके अलावा डिस्कशंस कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ इशूज, जो कि जैसे बड़े बड़े इशूज हैं, अलग अलग थीम्स, तीन बेसिक थीम के अंदर, एक तो भाई साइंस एंड कंजर्वेशन, दूसरा मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, और तीसरा कल्चर और एथिकल परस्पेक्ट जो कि हैं कंजर्वेशन के। साथियों E8 कंट्रीज बिसाइड रिजॉल्विंग टू टेक नेसेसरी स्टेप्स इन डायरेक्शन ऑफ एलिफेंट कंजर्वेशन, इसके अलावा इन लोगों ने ये भी डिसाइड करा था कि हम सब मिलके एक कॉमन एजेंडा करेंगे परस्यू, ताकि लॉन्ग टर्म वेलफेयर और सर्वाइवल हो सारे स्पीशी का एलिफेंट की सारी ही रेंज कंट्रीज में। और इस ग्लोबल गोल को रियलाइज करने के लिए मीटिंग करी गई थी सारी रेंज कंट्रीज में कि आप सब मिलके काम करिए, और एक अम्ब्रेला ऑफ एलिफेंट 50-50 फोरम ये करा गया था। इसमें ये विजन था कि हम 50 स्टेट्स को लाएंगे और ताकि वहाँ पे हम कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और वेलफेयर को एलिफेंट्स के प्रमोट करें। तो ये 50-50 क्यों कह रहे हैं, 50-50 इसलिए क्योंकि 50 स्टेट्स ये काम 50 ईयर्स तक करेंगी, ठीक है। तो 50-50 था, तो इसलिए अब E50-50 फोरम समझ रहे हैं कि मतलब बेसिकली जो E8 कंट्रीज थी उन्होंने डिसाइड करा कि हम अपना पहला इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ E50-50 फोरम अर्ली 2013 में करेंगे न्यू दिल्ली में, और इंडिया फॉर अडॉप्टिंग अ कॉमन ग्लोबल विजन ऑन कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एलिफेंट्स अक्रॉस ऑल रेंज कंट्रीज। तो 50 कंट्रीज फॉर 50 ईयर्स, ओके। तो यहाँ एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट का टॉपिक ओवर होता है। अब डू यू नो की कुछ बातें हैं आपको बता दूं, तो टर्म एक ब्लाइंड एज बैट हम लोग नहीं बोलते, चमगादड़ की तरह अंधे हो, तो ये इतना सही बात नहीं है। बैट जो है वो उनके पास बढ़िया आंखें होती हैं देखने के लिए इन द डे लाइट। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि दे डू मोस्ट ऑफ देयर हंटिंग एट नाइट, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो भाई अपना जो भी हंटिंग करते हैं वो रात में करते हैं, दिन में तो देख रहे हैं कोई नहीं, समझे, ये बात होती। तो ऐसे नहीं कहते अंधे हो, हर चीज़ का रीज़न समझो। अच्छा, एक और बात है कि टाइगर को एक्सटेंशन का खतरा है, वेयर एज जो एलिफेंट है उसे थ्रेट ऑफ एट्रीब्यूशन है। मतलब एलिफेंट नॉज हैव नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्रास्टिकली, बट यहाँ पे अगर देखें तो इसका प्रेशर एलिफेंट पे बढ़ रहा है, उनके हैबिटेट पे बढ़ रहा है, और ये बहुत सीरियस खतरा है जिसे जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है एलिफेंट को कंजर्व करने में। तो इसलिए इतना वेलफेयर कैंपेन वगैरह इसके चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं इसको, क्योंकि प्रोजेक्ट वल्चर को अगर हमने टच कर दिया तो ये बहुत लंबा पहुँच जाएगा चैप्टर, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक मतलब एक टॉपिक टच करूँ तो उसको एंड तक ही लेके जाऊँ, तो ज़्यादा सही रहेगा, बीच में दो पार्ट करने का क्या ही मतलब है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में हम प्रोजेक्ट वल्चर को पढ़ेंगे। बहरहाल, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसमें मेरे काम में भी मदद मिलेगी और आपको कई सारे बॉक्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप से लेके फेसबुक वगैरह हर चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको फेसबुक पे वीडियोस मिल जाएंगी है, और बाकी हर जगह फॉलो कर लीजिए, यू विल गेट ईच एंड एवरी गुड न्यूज़ एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।